हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी वीडियो सीरीज़ में। आज हमारे पास है टाटा की इंडिगो सीएस, टीडीआई, डाइकोर, सारे वेरिएंट में सेमी फंक्शन है। आज जो हम काम करने वाले हैं, पावर विंडो पे काम करने वाले हैं और इसका पावर विंडो स्विच कैसे बाईपास टेस्ट किया जाता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन कस्टमर कंप्लेन है वो है कि इस साइड का जो पावर विंडो ग्लास है वो डाउन नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, अप डाउन कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका फ्यूज वगैरह सही है कि नहीं, और इसका फ्यूज कहाँ पे होता है, रिले कहाँ पे होता है, सारा कुछ, मतलब ए टू जेड पावर विंडो सिस्टम को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसमें कोई भी सिस्टम छूटेगा नहीं। बाईपास टेस्ट, स्विच का बाईपास टेस्ट लेके आगे, स्विच का हमने बाईपास टेस्ट इंडिका विस्टा का पहले भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। बाईपास टेस्ट प्रोसेस लगभग सेम ही होता है सभी में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इग्निशन को करते हैं ऑन, ये हमारा इग्निशन ऑन है, और यहाँ से अप डाउन हो रहा है। लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम स्विच को ही खोलेंगे, स्विच को खोल के देखते हैं बाईपास करके ये स्विच का प्रॉब्लम है या और कुछ है। तो स्विच को खोलने के लिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये फिटिंग काफ़ी फिक्स है, इसका फिटिंग स्क्रू ड्राइवर थोड़ा नया होना चाहिए, लेकिन खुल जाएगा। पतला वाला स्क्रू ड्राइवर, इस तरीके से स्विच निकल गया। अब इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, टेस्टिंग लाइट की मदद से यहाँ पकड़ो। ये इग्निशन वायर है सबसे किनारे वाला, ठीक ना, इसको ऐसे पकड़। और उसके बगल में ग्राउंड है, बाकी को हम अगर ये हमारा पीछे का दोनों राइट साइड का है और ये पीछे का लेफ्ट साइड का, और ये दोनों आगे का राइट साइड का, ये हमारा आगे का लेफ्ट साइड का जो नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब स्विच हमारा सही है। हम पीछे से चेक करते हैं। टोटल यहाँ पे इसका पावर विंडो का फ्यूज बॉक्स कंप्लीट, ये जितना भी है सिर्फ पावर विंडो का है, सारा फ्यूज यहाँ पे आपको मिलेगा साइड बाई साइड, ठीक है ये, और ये दोनों इग्निशन का और कॉयल का है। तो हमारा जो वर्क नहीं कर रहा है, फ्यूज पहले चेक कर लेंगे और उसके बाद रिले को खोल के हम बैक साइड से बाईपास करेंगे, फ्यूज चेक करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो इसका हमने फ्यूज बॉक्स खोल लिया है, अभी हम बैक साइड से इसका वायरिंग चेक करेंगे। थोड़ा बहुत वायर तो यहाँ पे कटिंग लग रहा है, कटिंग यहाँ पे है ना, ये देख रहे हैं ये वायर यहाँ पे चूहे ने कट किया हुआ है इधर से, तो शायद ये उसी का है दोनों, ये स्विच से आने वाला वायर है और ये इग्निशन का, जिसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसको हम यहाँ जगह पे अपने सेट करेंगे, सेट करने के बाद देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं। सोल्ड करो, इसको ज्वाइंट करो। तो फ्रेंड्स, इसको हमने वायर को जोड़ लिया है और इसको एक जड़ से कट गया था, तो अभी हम उसको सोल्ड करने वाले हैं निकाल के। तो इसका हम चेक कर ले रहे हैं पहले हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो अभी तो डाउन हो गया है ना, तो ये वर्क हमारा डन हो गया कंप्लीट हमारा। और इस तरीके से चूहे ने इसका वायर काट दिया था,
हमने बाईपास स्विच भी टेस्ट किया तो भी बाईपास में भी वर्क नहीं कर रहा था वायर कटिंग की वजह से। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि स्विच सही है। अगर बाईपास में क्लियर काम करता और यहाँ से नहीं करता तो स्विच चेंज करते हम, लेकिन स्विच हमारा सही था, वायरिंग का प्रॉब्लम था। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।